वीडियो में हम बात करेंगे 5 कस्टम रोम के बारे में। 1 लाइनेज ओएस, 2 हैवोक ओएस, 3 पिक्सेल एक्सपीरियंस, 4 कॉर्वस ओएस एंड 5 ओमनी रोम। इन्हीं 5 कस्टम रोम के बारे में डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे। मेरी नज़र में लीनियज ओएस बेहतरीन कस्टम रोम में से एक है। लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ लीनियज ओएस। इस रोम में आपको क्लीन यूआई के साथ साथ फास्टर यूजर एक्सपीरियंस भी मिलेगा। जैसे आप देखें, Xiaomi की MIUI रोम जो कि बहुत ज़्यादा हेवी और ब्लॉटवेयर से भरी होता है, जिससे यूआई बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, और इस रोम में आपको कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं मिलेगा, जिससे आपको कोई भी एड्स या लैग की प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस के बारे में। लीनियज ओएस में आपको मिनिमल प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिलेगा, जिसमें जी एप्स भी आपको एडिशनली फ्लैश करना होगा। तो आप समझ ही सकते हैं कितना प्योर ओएस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कस्टमाइजेशन फीचर्स ऑफ द लीनियज ओएस। इसमें आपको बाकी सभी कस्टम रोम की तरह भर भर के कस्टमाइजेशन अवेलेबल देखने मिलेगा। जैसे कि डिस्प्ले के अंदर आपको प्योर डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन में आपको तरह तरह की क्लॉक स्टाइल देखने मिलेगा, यहाँ तक कि आप आइकॉन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। गेमिंग पार्ट में आपको इस रोम में बेटर FPS के साथ साथ लो हीटिंग इशू का मजा भी ले सकते हैं, क्योंकि प्योर स्टॉक एंड्रॉयड होने की वजह से और कोई एडिशनल ब्लॉटवेयर नहीं होने के कारण आप बेटर गेमिंग कर सकते हैं, और जितना कम ब्लॉटवेयर उतना ज़्यादा रैम मैनेजमेंट और उतना कम लैग का इशू। आई थिंक आप सबको पता होगा कस्टम रोम जाने जाते हैं सिक्योरिटी इश्यूज के लिए, लेकिन इस रोम में आपको ऐसा कुछ देखने नहीं मिलेगा। इस रोम में आपको गूगल का मंथली एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच एंड OTA अपडेट्स देखने मिलेगा, जिससे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होगा। हैवोक ओएस एक बेहतरीन कस्टम रोम है मेरी नज़र में। हैवोक ओएस जाने जाते हैं मेनली हाईली कस्टमाइज के लिए। तो चलिए बात करते हैं इस कस्टम रोम के बारे में। हैवोक ओएस इज बेस्ड ऑन एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। हैवोक ओएस 4.2 रन करता है एंड्रॉयड 11 के ऊपर। बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, हैवोक ओएस एक फर्स्ट कस्टम रोम है। पिक्सेल एक्सपीरियंस जितना फर्स्ट नहीं, लेकिन बहुत अच्छा कस्टम रोम है। ये वाला रोम भी पिक्सेल एक्सपीरियंस रोम की तरह जीरो ब्लॉटवेयर के साथ आती है। इस वजह से अल्टीमेटली फ़ोन फास्ट हो जाती हैं, और ज़्यादा ऐप नहीं होने के कारण बैटरी बैकअप भी बहुत डिसेंट है। अगर ओवरऑल बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ डिसेंट बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं। डिस्प्ले फीचर्स की क्या ही बात करें, एक हाईली कस्टमाइजेबल कस्टेबल कस्टम रोम है। हैवोक ओएस आता है रिफाइंड मटेरियल डिज़ाइन के साथ। इस रोम में कस्टमाइजेशन फीचर्स भर भर के डाला हुआ है। नोटिफिकेशन बार अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। स्टेटस बार की क्लॉक लोगो स्टेटस आइकॉन्स कस्टमाइज होगा। एम्बिएंट डिस्प्ले फीचर्स में आप म्यूजिक टिकर और गेस्टर फंक्शंस अवेलेबल हैं। इस रोम के एक फीचर्स पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, जो कि आप अपने फ़ोन की बूट एनिमेशन को चेंज कर पाएंगे, जो कि दूसरे कस्टम रोम में ये वाला फीचर्स नहीं पाएंगे। बाकी सारे कस्टम रोम की तरह हैवोक ओएस भी डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। अगर आपका फ़ोन की बैटरी 4000 mAh है, तो आप नॉन स्टॉप 5 से 6 घंटा गेमिंग आराम से कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो हैवोक ओएस पिक्सेल एक्सपीरियंस जितना गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करता है, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकते हैं आप ज़्यादा बेटर रिजल्ट पाएँ हैवोक ओएस में। हैवोक ओएस की सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है। मंथली OTA अपडेट्स प्रोवाइड करता है लेटेस्ट गूगल सिक्योरिटी पैच के साथ। आप शायद जानते होंगे कस्टम रोम में पेमेंट ऐप जैसे गूगल पे फ़ोन पे वर्क नहीं करता है, लेकिन इस हैवोक ओएस पे प्ले सर्टिफाइड है। इसका मतलब आप पेमेंट ऐप भी यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इट्स टाइम फॉर पिक्सेल एक्सपीरियंस। लेट मी टॉक अबाउट पिक्सेल एक्सपीरियंस कस्टम रोम। अब अगर हम बात करें पिक्सेल एक्सपीरियंस रोम के बारे में, तो ये रोम बाकी सारे अवेलेबल कस्टम रोम से ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट है। इस रोम पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्री इंस्टॉल्ड GApps मिलेंगे, और कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं मिलेगा। और ये रोम बहुत ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट भी है, जिससे आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ मिलेगा।
अगर आप ढूंढ रहे हैं ऐसे ही कोई कस्टम रोम को जो कि सिंपल हो, स्टॉक एंड्रॉयड हो और जो डेली यूजेस के लिए बेस्ट हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा गूगल पिक्सेल एक्सपीरियंस को। तो चलिए अब बात करते हैं प्योर एंड्रॉयड के बारे में। इस रोम पे अगर हम बात करें प्योर एंड्रॉयड के बारे में, तो आपको पिछले वाले रोम से ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने तो नहीं मिलेगा, लेकिन कस्टमाइजेशन नहीं है ऐसा भी कुछ नहीं है। इस रोम में स्टैंडर्ड कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि एम्बिएंट डिस्प्ले, डिस्प्ले एनिमेशन होए एंड चार्जिंग, चेंजिंग ऑफ आइकॉन सेव एंड कैमरा टू एपीआई सपोर्ट, जिससे आप जी कैम भी यूज कर सकते। अगर आप पिक्सेल एक्सपीरियंस रोम में गेमिंग करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टॉक रोम से पिक्सेल एक्सपीरियंस में शिफ्ट हो रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस करेंगे एक ब्लॉटवेयर फ्री स्मूथ ओएस जो बैटरी एफिशिएंट भी है, जिससे आपको एक स्मूथ एंड लैग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस करेंगे। अगर हम बात करें गूगल पिक्सेल एक्सपीरियंस रोम की सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में, तो ये बहुत ही सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो या रोम हो एक ही बात है, तो ये बहुत ही सिक्योर है। डेवलपर्स दावा करते हैं कि वो डेली तो नहीं, मंथली बेसिस में ओटीए अपडेट्स एंड सिक्योरिटी पैचेस देते रहेंगे अपडेट के थ्रू, जिसका वजह से आपका फ़ोन सिक्योर रहेगा एंड सेफ रहेगा। अगर हम वायरसेस एंड मैलवेयर्स की बात करें तो ईजिली डिटेक्ट कर लेता है। अगर आप फ़ोन को रूट ना करें तो मेरे ख्याल से बेस्ट होगा, क्योंकि रूट की वजह से फोन में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं कोरबस ओएस के बारे में, जो कि एक गेमिंग स्पेसिफिक कस्टम रोम है। इससे पहले लिनियज ओएस के बारे में जो बात की अबाउट क्लीन यूआई एंड अनवांटेड ब्लोटवेयर, वैसे ही इस कोरबस ओएस में भी ब्लोटवेयर नहीं मिलेगा एंड इसका डिज़ाइन बहुत क्लीन है, दैट्स वाई ये एक गेमिंग स्पेसिफिक कस्टम रोम है। और अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, आपको इसमें देखने मिलेगा एडवांस कर्नल एंड सीपीयू ओवरक्लॉकिंग फीचर्स, जिसमें गेम रन्स लाइक बटर। अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले फीचर्स की, तो आपको देखने मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फॉर एमोलेड फोन्स, न्यू नोटिफिकेशन, टॉगल एम्बिएंट वेक गेस्टर्स, नाइट लाइट स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स। और यहाँ तक आपको देखने मिलेगा गेमिंग ड्राइवर प्रिफरेंसेस, जिसमें आपकी गेमिंग विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बोला था कि ये एक गेमिंग स्पेसिफिक रोम है, इसमें आप लोगों को देखने मिलेगा एडवांस कर्नल जो स्पेशली गेम के लिए है। और अगर बात करें सीपीयू की, जो पहले से ही ओवरक्लॉक्ड है, इसलिए एक बेहतरीन जबरदस्त गेमिंग रोम है। तो इसकी सिक्योरिटी सिस्टम बहुत सिक्योर है। डेवलपर्स दावा करते हैं कि मंथली एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैचेस एंड ओटीए अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप फ़ोन का रूट ना करें तो इसका सिक्योरिटी सिस्टम परफेक्ट वर्क करेगा। मेरे ख्याल से कोरबस ओएस की सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, एटलीस्ट मुझे तो कोई इशूज़ फेस नहीं करना पड़ा अबाउट लेट ओटीए अपडेट्स एंड सिक्योरिटी पैचेस। ओमनी रोम एक बहुत ही अच्छा कस्टम रोम है, तो चलिए बात करते हैं इस रोम के बारे में। ओमनी रोम आता है क्लीन यूआई के साथ एंड इसका यूआई डिज़ाइन बहुत ही फास्ट है। रीज़न है नीट एंड क्लीन यूआई डिज़ाइन एंड मिनिमल प्री इंस्टॉल एप्स। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स वर्क्स प्रॉपरली ऑन ओमनी रोम। पहले ही बताया बहुत ही कम प्री इंस्टॉल ऐप है इसमें, इसलिए बैटरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता है। ओमनी रोम सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में भी सपोर्ट करता है। अगर आपके पास कोई रेसबेरी पाई का कोई भी मॉडल हो, यानी कि रेसबेरी पाई का कोई भी सीरीज़ हो, जैसा कि रेसबेरी पाई 1, 2, 3, 3B या 4, तो ओमनी रोम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर बात करें फ़ोन कस्टमाइजेशन के बारे में, तो ये ओमनी रोम बहुत सिंपल डिज़ाइन यानी कि सिंपल यूआई के साथ आता है। वॉलपेपर बहुत ही अच्छा है इस रोम में, आप नोटिफिकेशन बार को यूआई अपने हिसाब पे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें एक फीचर है ओमनी केयर्स के नाम पे, जिसमें हम डिवाइस फीचर्स, स्टाइल बटन्स का बार्स, लॉक स्क्रीन, एम्बिएंट डिस्प्ले, वेदर डायलर, फिंगरप्रिंट सिस्टम, यूआई ट्यूनर एंड मोर कस्टमाइज कर सकते हैं। गेमिंग के मामले में ज़्यादा इम्प्रूव देखने नहीं मिलता है ओमनी रोम पे, डिसेंट गेमिंग कर पाएंगे। इस रोम की परफॉर्मेंस स्टॉक की तरह ही, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं देखने मिलता है। ओमनी रोम की सिक्योरिटी सिस्टम भी बाकी सारे कस्टम रोम की तरह डिसेंट है। अकॉर्डिंग टू द डेवलपर्स मंथली ओटीए अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे विथ गूगल लेटेस्ट सिक्योरिटी।